प्रैक्टिकली बोलिंग मैच होता रहा था अंका लड़ा। इंटरनेट पर कल पूरे दिन यही चल रहा था और ग्राउंड पे भी यही। सीएसके को अभिषेक शर्मा चुप करा रहा था और सीएसके फैंस को ये। काव्या जी लग रहा है एक ही सीजन में पुराने सारे सीजन का बदला ले लेंगी। भैया बिल्कुल ही वॉयलेंस पर उतर आई है एसआरएच की टीम। उधर जड्डू और राहा ने भाई बेचारे पसीना बहा बहा के 166 रन तक पहुंचे और इधर अभिषेक शर्मा को किसी ने बोल दिया पावर प्ले में ही जिताना है मैच। मुझे क्यों तोड़ा? सीएसके फैंस तुषार देशपांडे के ट्रॉमा से बाहर आ ही रहे थे कि उतने में एंट्री होती है मुकेश चौधरी की। मुकेश भाई एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए और अपना इम्पैक्ट ऐसा छोड़ गए, एक ही ओवर में मैच खत्म। काव्या जी के लिए तो हम 27 बार मरने के लिए तैयार हैं, ये 27 रन देना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी ऋतुराज ने हमें इम्पैक्ट प्लेयर हैं ये तो बताया था, पर किस टीम के लिए ये नहीं बताया। मन किया तो काव्या जी के इम्पैक्ट प्लेयर बन गए। मजे की बात यह है जब सीएसके फैंस को पता लगा कि आज मुकेश चौधरी खेल रहा है, उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग चलाना चालू कर दिए और ट्रेंड करा दिया मुकेश स्टार्क। इनको उम्मीद नहीं थी कि मुकेश भाई इस बात को सीरियसली ले लेंगे और सच में मिचेल स्टार्क जैसी बॉलिंग कर देंगे जैसी उसने स्टार्टिंग के दो मैचेस में की थी। मुकेश भाई बाद में ठीक क्षणा को साइड में ले जाके बोलने लगे, बड़ी जो काम तुम एक ओवर में कर सकते हो उसके लिए चार ओवर क्यों लगाने, पब्लिक का भी टाइम वेस्ट हमारा भी। बड़ी अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग आ गई थी। सीजन स्टार्ट होने से पहले पैट कमिंस ने बोला था इस बार मैं एसआरएच की तरफ से एग्रेसिव क्रिकेट देखना चाहता हूं। जिसने एग्रेशन दिखाया ठीक, जिसने नहीं दिखाया उसका हाल पता ही है। मुकेश चौधरी को सीएसके वाले यही बोल के लाए थे कि चल चल भाई देखो मयंक अग्रवाल के सामने बॉलिंग कराएंगे, चल चल। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। माही भाई चाहे आप वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन बन जाओ या फिर पूरी दुनिया आपकी बैटिंग का वेट करती रहे, पर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है तो आप समझ ही गए होंगे। बीवी को कोई खुश नहीं कर सकता माही भाई, चाहे आप लाइफ में कुछ भी बन जाओ। मजा नहीं आ रहा है। पर कोई दुखी था तो कोई बहुत खुश भी था। इनको खुश देख के भाई बुड्ढों का बीपी नॉर्मल हो जा रहा है। हीरो कैम लगाया था ना जियो सिनेमा वालों ने अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स पर, ये कैमरामैन समझ गया कि हीरोइन कैमरा भी जरूरी है भाई। इसको पता है कि एकदम सही टाइम पे कैमरा कहाँ फोकस करना है। काव्या जी माही भाई, काव्या जी माही भाई, अरे दो बॉल तो निकल ही गई मैच की, थोड़ा सा मैच भी दिखाई देता हूँ। जब मैच शुरू हुआ तो स्टार स्पोर्ट्स पे मोइन अली को मोइन मिचेल दिखा रहे थे और डेरिल मिचेल को डेरिल अली। इसके बाद ही डेरिल मिचेल भाई सर पे बाल उगाने लगा कि सालू नाम तो सही से ले लो मेरा। मोइन अली ने पहले ही ओवर में एकदम इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया ट्रेविस हेड का। देखो मोइन अली भाई, आप तो हो इंग्लैंड से पर हम हैं इंडियन और हमने वर्ल्ड कप भी देखा हुआ है। आप चाहे किसी का भी कैच छोड़ दो, इस मुच्छड़ का मत छोड़ा करो, पब्लिक बहुत मारेगी और फिर रीजन भी नहीं बताएगी इस मार का, समझे मोइन मिचेल भाई। अभिषेक शर्मा का विकेट कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये दीपक चहर का सेलिब्रेशन बता रहा था। सीएसके की टीम से जब कल पाथीराना और मुस्तफिजुर नहीं खेले तो भाई उनकी बॉलिंग पूरी आरसीबी जैसी हो गई और शिवम दुबे नहीं खेलते तो बैटिंग दिल्ली कैपिटल जैसी हो जाती। दुबे भाई तो बेचारे आए थे मूड में कि चलो बेंच ऑफ फ्राइडे आज छक्के छक्के मारेंगे, बाकी बैट्समैन इंटरेस्टेड ही नहीं थे, कहने लगे दुबे भाई पिच स्लो है यार। वो तो अच्छा है एसआरएच की ओपनिंग देखने के बाद क्लासेन को बेचारे को दया आ गई, वरना अगर ये अपना असली रूप दिखा देता ना सीएसके के बॉलर्स में से एक दो तो चले ही जाते अपनी इच्छा से प्लेइंग 11 छोड़ के। वैसे भाइयों आज है हमारा आरसीबी का मैच। ऋतुराज गायकवाड़ जब से कैप्टेंसी मिली है ना अपना तो बैटिंग फॉर्म ही चला गया यार। ऋतु भाई मेरे ऋतु भाई, आपको कैप्टेंसी इसलिए दी गई है ताकि आप फ्यूचर में चल के इंडियन की कैप्टेंसी करो, ऐसे मत करो यार। आईपीएल में इन टीमों का फैन बेस बहुत हल्ला करता है, ये भूरी भूरी आंखें मैं बता रहा हूँ, सबको साइलेंट कर देगा भाई। इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट ऐसा डालो कि एक ही ओवर में मैच ही खत्म कर दो। वाह भाई इम्पैक्ट प्लेयर का असली मतलब बता के गए मुकेश भाई बीच आईपीएल में। इस कमिंस के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा यार, हमारे तीनों इंडिया के बेस्ट कैप्टन को ऐसा कर रहा है यार, बताओ। काव्या मरण जी दिया लेके खड़ी है, आग जला दी पूरी हर टीमों में। फैंस थाला, दो बॉल पे एक रन, शिवम दुबे चार ओवर में 45 रन। यार दुबे भाई के साथ गलत हो रहा है यार, क्रेडिट कम मिल रहा है उनको। आफ्टर सीइंग एसआरएच फील्डिंग साइड सबके सब ऑरेंज कैप लगाए हुए, एसआरएच के बैट्समैन पहले से ऑरेंज टोपी लगा गए हैं भाई, हम तो बैट्समैन है बाकी तुम अपना देख लो। एसआरएच वर्सेस सीएसके बैटिंग टुडे, एग्जैक्टली ब्रो एग्जैक्टली। आई वांट टू सी एन एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम एसआरएच, कमिंस वंस सेड व्हेन ही सेड ही रियली मीन्ट इट। भाई यार ये आदमी अलग लेवल पे।
पे और सच पाते भाई SRH का। तुम पिछले दो ईयर्स का परफॉर्मेंस देख लो, जब खेलते थे ना टीवी बंद करने का मन कर जाता था, बोर होते थे, और अब SRH की टीम का वेट होता है कि कब बैटिंग करने आएगी। ये लोग तो 277 भी बना देते हैं, फिर 166 का टारगेट दे के कैसे जीतेंगे। आज पुज्जी भाई होते तो ये हाल ना हो रहे होते, पुज्जी भाई जिता देते। चाहे आग लगे मस्ती में, तेरा भाई रहे मस्ती में, शर्मा जी अलग मस्ती में, भाई के हार्दिक वो करना चाहते शोर, मैं भी बैठा मस्ती में। अबे पैट कमिंस भाई, हमारा IPL चल रहा है अभी, तो शोर कर लेंगे, वर्ल्ड कप आना तो बचा है अभी। ऋतुराज गायकवाड़, पिच वॉज स्लो। अभिषेक, कौन कह रहा मार्केट चूर चूर की ढाल के, ये चच्चा को देख के हंसी आने लगती भाई। CSK फैंस हाइप्ड मुकेश चौधरी एज मुकेश स्टार। कल भाई ट्रेंडिंग पे था, नंबर वन पे ट्रेंडिंग कर रहा था मुकेश स्टार। सब लोग ऐसे खुश थे कि हमारे मुकेश भैया, हमारे मुकेश भैया। भाई पतिराना और मुस्तफिजुर के हटा दो तो तुम हालत खराब थी। CSK बॉलिंग लाइनअप विदाउट पतिराना एंड मुस्तफिजुर, एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली यही हाल थे। आज तो RCB का मैच है वैसे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से दबाई मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना यार।